नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। तो संसद के विशेष सत्र का आज चौथा दिन है और बुधवार को महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा से पास होने के बाद महिला आरक्षण विधेयक को आज राज्यसभा में रखा जाएगा, जहां पर इसको चर्चा के बाद पारित कर दिया जाएगा। और राज्यसभा से पास होने और राष्ट्रपति के साइन के बाद ये कानून बन जाएगा। लगातार सरकारें आई और गईं, 27 साल के संघर्ष के बाद अब आज राज्यसभा से पास होने के बाद महिला आरक्षण बिल कानून बन जाएगा। कल लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हुआ, सभी दलों का शुक्रिया भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अदा किया गया। उन्होंने कहा कि सभी दलों के सांसदों को शुक्रिया जिन्होंने भी महिला आरक्षण बिल के पक्ष में वोट किया है, लेकिन दो सांसद ऐसे थे जिन्होंने विपक्ष में वोट किया है। लेकिन फिलहाल आपको बता दिया, चौथा दिन है, चर्चा के बाद आज कानून बन जाएगा अगर राज्यसभा से भी ये बिल पास हो जाता है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रखे हैं। संसद के विशेष सत्र का आज चौथा दिन हो गया है। बुधवार को महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा से पास हो गया, महिला आरक्षण विधेयक को आज राज्यसभा में रखा जाएगा। इसको लेकर चर्चा के बाद राज्यसभा में भी इस बिल पर चर्चा होगी, जिसके बाद इसको पारित कर दिया जाएगा। हालांकि कांग्रेस लगातार इसके पक्ष में रखी है। कल सोनिया गांधी की तरफ से संसद में कहा भी गया कि राजीव गांधी का अभी आधा सपना पूरा हुआ है, महिला आरक्षण अगर कानून बन जाता है तो पूरा सपना हो जाएगा पूरा। तो कांग्रेस लगातार इसके पक्ष में रही है और सोनिया गांधी की तरफ से पहले भी कहा गया कि ये महिला आरक्षण बिल हमारा है। लगातार क्रेडिट लेने की होड़ भी कांग्रेस की तरफ से देखने को मिली, लेकिन आज राज्यसभा में चर्चा के बाद विधेयक जहां पारित होगा वहां से अगर पास हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति के साइन के बाद ये कानून बन जाएगा। बुधवार को महिला आरक्षण बिल यानी कि नारी शक्ति वंदन विधेयक बुधवार को लंबी चर्चा के बाद दो तिहाई बहुमत से लोकसभा से पास हो गया। बिल के समर्थन में 454 और विरोध में 2 वोट पड़े और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पर्ची से वोटिंग कराई। ऑल इंडिया मजली से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी और औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील ने महिला आरक्षण बिल के विरोध में वोट किया। तो ये दो सांसद कौन थे, ये भी हमने आपको बताया कि जिन्होंने महिला आरक्षण बिल के विरोध में वोट किया। देख सकते हैं, बुधवार को महिला आरक्षण बिल यानी कि नारी शक्ति वंदन विधेयक लंबी चर्चा के बाद 2/3 बहुमत से लोकसभा से पास हो गया। अब बिल के समर्थन में 454 वोट पड़े, जिनका प्रधानमंत्री मोदी ने भी धन्यवाद अदा किया, लेकिन 2 वोट विरोध में पड़े थे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पर्ची से वोटिंग कराई थी और ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी और औरंगाबाद से सांसद इम्तियाज जलील ने महिला आरक्षण बिल के विरोध में वोट किया था। सिर्फ 2 वोट विरोध में पड़े थे, क्योंकि कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगा चुनावों से पहले महिला आरक्षण बिल का विरोध करना, और यही वजह है कि पक्ष में इस बिल के 454 वोट पड़े। अब आज चौथा दिन है सत्र का और आज राज्यसभा में चर्चा के बाद अगर ये पास हो जाता है राज्यसभा से भी तो फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा बिल और राष्ट्रपति के साइन के बाद ये कानून बन जाएगा।